सिपाहियों राजपूत लैंड हिमाचल प्रदेश से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है, जिसमें जसवान रियासत के ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंब में एक जिहादी आसिफ मोहम्मद गुज्जर ने क्षत्रियों की लड़की का गला रेत कर मार डाला। पहली बार राजपूत लैंड में देखने को मिली है, जब 15 वर्षीय हमारी राजपूत बहन जिसका नाम था प्राची राणा, उसको 26 वर्षीय आसिफ मोहम्मद गुज्जर ने प्रपोज किया और पीछे से पकड़ने की कोशिश की, तो राजपूत बच्ची ने खुद को छुड़ाकर आसिफ गुज्जर को थप्पड़ मारा और अपने घर वालों को बताने की धमकी दी, जिससे डरकर और बौखलाहट पाकर इस जिहादी आसिफ गुज्जर ने प्राची राणा को गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। तो भाइयों, इस घटना से हम बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, क्योंकि अपने इलाके में अपनी वाली साइड हमने ये पहली घटना ऐसी देखने को मिली है। तो भाइयों, इन अपराधी भैंस चोरी करने वालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। तो भाइयों, एक तरफ तो ये जम्मू और हिमाचल प्रदेश में राजपूतों के घरों में, राजपूतों के खेतों में अपनी गायें भैंस चराते हैं, और दूसरी तरफ हमारी लड़कियों पर ये आँखें भी डालते हैं। तो मैं सभी क्षत्रिय भाइयों से कहना चाहता हूं कि इनका पूरा बिल्कुल बायकॉट किया जाए, इनको अपने घरों में, जहां पर भी खेतों में नहीं बिठाया जाए, जहां पर भी आप इनको चरने के लिए देते हो। तो भाइयों, हमारी बहन के साथ इंसाफ होना चाहिए, जिसने भी ऐसा घिनौना काम किया है इसका दंड काट कर, इसको शर्याम नंगा करके इसका काट कर गधे पर बिठाकर पूरे बाजार में अगर आपने नहीं घुमाया तो अपने को राजा कहना छोड़ दें। जितने भी भाई ऊना के आसपास के, वो चाहे राणे, ठाकुर, गुलेरिए, जसबाल, जरियाल, कटोच, पठानिए, जितने भी मेरे क्षत्रिय भाई सुन रहे हैं, जो अपने आप को राजा कहते हैं, अगर हिमाचल प्रदेश सिर्फ भारत का एक ही राजपूत लैंड बचा है, वहां पर अगर हमारी बहन के साथ इन्होंने ऐसा घिनौना काम किया, जो अभी नाबालिग है, 15 साल की है, उसके साथ ऐसा काम किया, बहन के साथ, हमारी शतरानी के साथ, इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, इसकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी किसको हाथ डाला है इसने। तो सभी भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि